में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी और मटन। और ये मटन लिया है 750 ग्राम। इसे हमने अच्छे से धो लिया है। इन्हें हम एक घंटे पानी में रख दिया था तो इसका कलर देखिए बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है और साफ से हमने धो लिया है। और ये दो टमाटर लिया है और दो प्याज को बारीक कट कर लिया है। और ये आधी कटोरी सरसों का तेल लिया है। और ये तड़का लगाने के लिए एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और जीरा और एक दालचीनी और दो तेज पत्ता लिया है। आप इससे ज़्यादा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो अब बनाएंगे। तो हमने गैस पे कुकर चढ़ा लिया है, कुकर गर्म हो गया। तो इसमें सबसे पहले तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे तड़का के लिए। प्याज भी डाल देंगे इसमें। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक ही पकाएंगे, ज़्यादा तेल नहीं करेंगे इसे। देखिए हल्का गोल्डन हो गया प्याज। तो इसमें दो चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से भून लेंगे। एक मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तेल में मटन भी डाल देंगे। हमें भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। ये हमने मसाला लिया है, मसाले में 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच लाल मिर्ची लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक लिया है और 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है। तो अब डाल देंगे उसमें। 2 मिनट तेल में भून लिया है, तेल में डाल देंगे हम मसाला। अरे टमाटर भी 2 टुकड़े में काटा है, उसे भी डाल देंगे। उसे चला लेंगे एक बार अच्छे से। थोड़ा पानी डालेंगे ऐसे तो इसमें पानी अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें कुकर का सीटी लगा देंगे। तो देखिए हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया, कुकर कवर कर दिया है। अब इसमें 1 सीटी लगाएंगे बिल्कुल तेज फ्लेम पे और बाकी 4 सीटी लगाएंगे मीडियम पे कि अच्छे से बोटी सॉफ्ट हो जाए। तो 4 सीटी लगाएंगे इसमें। तो जब तक उसमें सीटी लग रहा है जब तक हम एक गोभी को काट लेंगे। तो इस तरीके का हमने बड़ा बड़ा फूल रखेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं काटेंगे, बड़ी बड़ी सी ही रखेंगे। इस तरीके का फूल रखेंगे बड़ी बड़ी। तो हमने सारे फूल को छोटा कर लिया है, तोड़ लिया है। तो हम जो ये जो है इसके हम साइड साइड सारे को निकाल लेंगे, वरना ये सही नहीं लगेगा जब हम डालेंगे मटन में। तो देखिए इस तरीके से सारा हम साइड का निकाल देंगे। देखिए देखिए हमने गोभी को काट कर धो लिया है, धोकर छलने वाले में रख दिया है। अच्छे से इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम मटन में डालेंगे। तो देखिए हमने गोभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम कुकर खोल के देखते हैं, सीटी भी 4 लग गया है।
तो कुकर खोल के देखते हैं, हमने गैस बंद कर रखे हैं। देखिए इसका सारा पानी सूख चुका है। एक बोटी भी चेक करते हैं तो देखिए बोटी भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, टूट रही है हाथ से गर्म है बहुत। इसे अच्छे से गैस ऑन कर कर अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए हमने इसे बहुत अच्छे से भून लिया है, तो इसमें डाल देंगे गोभी। गोभी डाल दिया है तो गोभी तो फ्राई करी हुई है, तो गली हुई भी फ्राई करते करते थोड़ी गल भी गई है, तो एक सीटी लगाएंगे बस इसको हाई फ्लेम पे। तो इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डाल लेते हैं, में थोड़ा पानी डाल रहे हैं, इसमें तेल था ना लगा हुआ तो धोकर पानी डाल रहे हैं। इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे बस, इतना ठीक है पानी। और इसमें एक सीटी लगा लेंगे हाई पे कि थोड़ा गोभी भी अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए एक सीटी लगा दिया है, ये तैयार हो गया है बनकर। तो हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो देखिए मटन को भी बनकर तैयार है, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।